प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म का पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम मोदी की बायोपिक का पोस्टर लॉन्च किया। बायोपिक के पोस्टर पर लिखा है, आ रहे हैं दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, अब कोई रोक नहीं सकता। नागपुर में नितिन गडकरी ने कहा कि एग्जिट पोल अंतिम निर्णय नहीं होता, इंडिकेशन होता है। एग्जिट पोल में जो बाय एंड लार्ज होता है वही नतीजों में आता है, और हमने जो 5 साल काम किया है उसी को देख करके लोगों ने मतदान किया है, और फिर एक बार हमारी सरकार आ रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से उत्साहित फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को फिल्म का नया पोस्टर जारी किया। फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग आज शाम दिल्ली में भी रखी गई, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता को आमंत्रित किया गया है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया, उस रेफरेंस पर इंडिया सिनेमा को सेट इंडेक्स आज पूरे देश को और दुनिया को भी इसकी खबर पता चलता भारत के मित्र के रूप में भारत को वर्ल्ड में रिकग्निशन और रेस्पेक्ट मोदी के साथ, और मैं पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम बड़ा किया, वर्ल्ड में जैसे प्रतिष्ठा और सम्मान मिले वैसे देश में भी 50 साल में मारेगा उसके तो एक भ्रष्टाचार मुक्त ट्रांसपेरेंट और विकास सरकार मिली, और जिसमें गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर अनेक यशस्वी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, और जिसका बेनिफिट बहुत बड़े प्रमाण पर लोगों को मिला। कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि इसका पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना, ऐसी बड़ी योजना जैसे ये प्रधानमंत्री आयुष योजना है, 10 करोड़ परिवारों का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख की मदद, या बैंक अकाउंट 3.5 करोड़ से 34 करोड़ और 70 हजार करोड़ का डिपॉजिट, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसी योजना है जिन्होंने जनता को, गरीब व्यक्ति को बहुत बेनिफिट किया। उज्ज्वला योजना हो, भाग्यश्री योजना हो, एक तरफ सोशल सेक्टर में यशस्वी है, दूसरी तरफ देश को एक विकास के नई दिशा देना में यशस्वी हुए, और तीसरी ओर हमारे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत का सम्मान मिला है। स्वाभाविक रूप से संदीप जी ने ये फिल्म निकाली है और विवेक जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, मैंने वो देखी है, एक बहुत यथार्थ वर्णन है। प्रश्न इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको देखकर जो नई जनरेशन देखेगी उसके मन में एक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन होगा और एक दिशा मिलेगी, और ये जो फिल्म तैयार की मुझमें संदीप जी का उद्देश्य है कि ये जो अच्छी बातें हैं ये समाज के सभी युवाओं तक, लोगों तक कैसे पेनिफिट हो, और एक अच्छी कोशिश उन्होंने की है। बाकी तो रूटीन में चलता ही है, जितने कोई भी काम करने के बाद उसके गतिरोध होती है, आज मुझे एक अच्छा SMS मिला, कितना भी अच्छा रोड होता है तो उसमें गति से जाने में तभी वो रोड एक्सेस होता है जब स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो अच्छा रोड और स्पीड ब्रेकर्स का जैसा नाता है कि अच्छा चलने के लिए ऐसी बाकी बातें होती रहती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उन फिल्म के लिए मेहनत की, परिश्रम किया, और उसमें मैसेज है। मैं अक्सर फिल्म और नाटक कभी भी देखता हूँ तो मैं पहली बार ये सोचता हूँ कि इसमें मैसेज क्या है, और मैं ये मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट केवल मनोरंजन इतना ही नहीं होता, उससे मैसेज मिलना चाहिए, वो मैसेज इस फिल्म से मिलता है। संदीप जी का
एक्चुअली ऐसा है कि मैं इस बात को 10 बार नहीं 50 बार क्लियर कर चुका हूँ। आप लोगों के दिमाग से ये क्यों नहीं निकलता, ये मेरे समझ में, इसीलिए मैं 5-6 दिन से दिल्ली से नागपुर ही आ गया। मुझे लगता है कि मोदी जी को और हमारे पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिलेगी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। यही हमारे सबके लिए, हम सब यही चाहना चाहते हैं। मिनिस्टर, जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है, प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है, अधिकार होता है, वो जो उसका निर्णय। महाराष्ट्र के नतीजों के बारे में क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र में पिछले बार जैसे नतीजे मिलेंगे ऐसे, ठीक है। अगर सर आप इनसे पार्टी बनाते तो हीरो बनते। अगर मैं अनुमति दे नहीं रहा हूँ मैंने उनको नम्रता पूर्वक कहा है मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि अभी मैं नितिन जी, नतीजे आने वाले क्या आप कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल ये कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है, पर वो इंडिकेशन होता है और बाय एंड लार्ज जो एग्जिट पोल में आता है वही नतीजों में आता है। तो देश की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और 5 साल से हमने जो अच्छा काम किया है उसके दृष्टि से समर्थन में आ रही है, ये उसका इंडिकेशन है। और मुझे पूरे उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और हमें एनडीए को मेजोरिटी नहीं है, एकजुट नहीं है, लेकिन इच्छा ये है, कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं वो एकता बनाने की एक मुहिम रखी जाए। नहीं तो हम हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहेंगे, जैसे पहले भी रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। विवेक जी, कल एग्जिट पोल आया तो क्या लग रहा है किसी हिसाब से फिल्म भी चलेगी जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं? अब ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हम बहुत खुश हैं। जो रुझान आया है ये अभी लोग इनकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी बातें ऊपर नीचे की भी हुई थी, बहुत कम सीटें आएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन हम कभी डरे नहीं, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे भी इस फिल्म को शूट कर रहे थे तो लोगों का जो मोदी जी के प्रति एक आकर्षण है, प्यार है, वो नज़र आ रहा था। जब मैं गांधीनगर में शूटिंग कर रहा था महात्मा गांधी मंदिर में, तो चल के आया मोदी जी के ये लुक पहनकर, तो आम लोगों को लगा मोदी जी आकर चिल्लाने लगे मोदी मोदी। तो ये जो प्यार है ये हमेशा देखने को मिला है, चाहे कैंपेनिंग में जाइए कहीं या कुछ। और पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका इतना जम के समर्थन किया, मुझे लगता है 5 साल और ये सरकार देश को वाकई जो 50-60 साल के जो गड्ढे खोद के रखे थे उनको भर के अब बड़ी इमारत होगी और भारत जरूर विश्व स्तर पर नंबर 1 होगा। लोग तो सब जानते ही हैं, बहुत परेशान किया, लेकिन मुख्य बात ये है कि अब फिल्म रिलीज हो रही है, देशभक्ति की भावना है इस फिल्म में और चाहता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें, सराहें, अपने बच्चों को ले जाएं इस फिल्म को देखने के लिए। बहुत सुंदर बातें हैं इस फिल्म में और एक फैमिली के लिए फिल्म। मोदी जी 23 तारीख को वापस आ रहे हैं, जैसे कहा, आपको लगता है इस फिल्म की रिलीज अगर 24 तारीख को तय की है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा? मैं चाहूँगा कि फ़ायदा देश का हो, मोदी जी के आने का फ़ायदा देश का हो, कि बच्चे हमारी फिल्म देखकर प्रेरणा लें और जो लोग पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं उन लोगों के सामने आदर्श हो। बनाता क्या हम सर इस फिल्म की एक अगर वो आगे जिंदगी में कुछ देश के लिए बढ़िया काम करे, जैसे हमारे पास जो बैठे हैं इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, जो प्रगति का रास्ता है रियली हिंदुस्तान को प्रगति के हाईवे पे इन्होंने डाल दिया। दिन के 34-35 किलोमीटर बनाना मेरे लिए ये अचीवमेंट, ये काम इनको बोलने की जरूरत नहीं, इनका काम बोल। तो ईश्वर करे कि हर नेता हमारे देश के लिए अच्छा करे, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का। राहुल गांधी जी भी देश के लिए अच्छा करें फ्यूचर में।
मैं गडकरी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम घर के बड़ों के हाथों से शुरू करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। मेरे लिए गणेश घर के बड़े ही हैं, पारिवारिक रिश्ता रहा है, मित्रता रहा है, इतने सालों से हमेशा बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया है इन्होंने। अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो मैं उनसे सीखना चाहता हूँ तो वो रिश्ते निभाना। बहुत प्यार देते हैं हमेशा, और जब भी मैं चाहे वो नागपुर हो या दिल्ली, दो लालच में मिलने जाता हूँ। एक तो जो गडकरी जी प्यार देते हैं और दूसरा जो इनके यहाँ पोहे मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड क्लास पोहे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। खास मांग के खाता हूँ, मैं भाभी को बोलता हूँ मुझे डबल डबल चाहिए। बहुत प्यार हमेशा दिया है। आज जिस पोस्टर का हमने विमोचन करवाया है इनके हाथों से, जिस महान नेता पर, शख्सियत पर ये फिल्म बनी है, हमारा सौभाग्य है कि एक और महान नेता ने इस पोस्टर का विमोचन किया हमारे यहाँ। दोनों ही कर्मयोगी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, या अगर हमारी फिल्मी भाषा में अगर मैं कहूँ तो गडकरी जी और मोदी जी दोनों एक्शन हीरो हैं। कामना नहीं रखते, काम करते हैं। पिछले 5 सालों में भारत काफी बदल चुका है। मुझे लगता है कि अब यहाँ आपका बाप, आपके बाप का नाम नहीं, आपका काम चलेगा। और हमारी ये फिल्म 24 मई को आ रही है, तो 23 मई को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दोबारा, और 24 मई को पीएम नरेंद्र मोदी 40 देशों के सिनेमा घरों में आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सभी लोग, हर हिंदुस्तानी ये फिल्म देखे, क्योंकि जो देशभक्त हैं उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। बहुत मुश्किल से हमने ये फिल्म यहाँ तक लाई है रिलीज़ करने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ना वो मोदी जी को रोक पाए, ना वो मोदी जी की फिल्म को रोक पाए। हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे एक मोदी जी के खिलाफ इतना बड़ा महागठबंधन था, मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ भी एक महागठबंधन था। इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हमारी एक छोटी सी फिल्म को रोकने के लिए जद्दोजहद में लग गए कि कैसे भी करके रोकना है। मुझे पता नहीं कि वो किस चीज़ से डर रहे थे, हमारी फिल्म से डर रहे थे या चौकीदार के डंडे से डर रहे थे। आप लोग ही सोचिए खुद, जो लोग इतने बड़े बड़े उनके खिलाफ जो कोर्ट केसेस हैं उसमें कभी पेशी नहीं लगाते, वो लोगों ने हमें कोर्ट में घसीटा। जो लोग कमीशन लेने के लिए मशहूर हैं उन्होंने हमें इलेक्शन कमीशन में घसीटा। लेकिन ठीक है, 23 तारीख आ रही है, इनका टाइम आएगा। अरे यार, ये कहना चाहूंगा शहजादे जी, अब होगा न्याय। जय हिंद। शूटिंग करते वक्त आपको ऐसा लगाओ क्या सच में मोदी जी ने किया है, या कितना कठिन था वो किरदार या उस लम्हे को निभाना जब वो किरदार आप करते? जब कौन सा लम्हा था जब संन्यास का पोर्शन था और हम वहाँ एक्चुअली शूट करने गए थे जहाँ पे वो 2 साल के अज्ञातवास में थे, और हर्षिल गंगोत्री उस दिशा में -20 डिग्री चल रहा था, -20, और बहुत कठिन था वहाँ शूटिंग करना। हालांकि हमारे पास सारी सहूलियतें थी और लोग थे मदद करने वाले, फिर भी बहुत कठिन था वहाँ पे 5 फुट बर्फ के अंदर शूटिंग करना। तो हमें लगा कि चाहे वो मोदी जी हों, चाहे हमारे संत महात्मा जो होते हैं, वो कैसे ऐसी जगहों पर पूर्ण श्रद्धा के साथ रहते हैं, वो मुझे लगा कि बहुत एक कमाल की बात। अभी जो उन्होंने जो कम नेताओं से मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान, सबसे सिंपल, हम्बल, ऑनेस्ट, और एक फ़ोन पर अगर किसी भी काम के लिए हाँ बोलते हैं वो सर आप हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच। एक और चीज़, लास्ट मीटिंग में मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इन पर बायोपिक बनानी है, जो इन्होंने मना कर दिया। तो अब आप सब लोगों की रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनकी कहानी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और ये हमेशा देने में बिलीव करते हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं। मैं चाहता हूँ सर,
फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से आप सीरियसली लेते हैं, कला को आप अप्रिशिएट करते हैं, मौका दीजिए। हम चाहते हैं आपकी तरह और भी महाराष्ट्र में और पूरे देश में, वर्ल्ड में नेता हों और आपकी तरह लोग आगे बढ़ें और आपकी तरह सोचें।